तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की शुरू में हम आपको लिए एक योजनाएं सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत, यहाँ पर शौचालय योजनाएं चल रही है, उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इस योजना के तहत आपके घर में भी अगर शौचालय नहीं है तो सरकार आपको 12,000 रुपये आपके खाते में इस योजना के तहत आपको भेज दिया जाएगा आपके खाते में। कैसे आपको इसमें अप्लाई करेंगे आपको हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अप्लाई करके हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो उससे पहले आपको बताते चलें, अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सॉरी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो भी सरकारी वैकेंसी होती है, सरकारी योजनाएं होती है, यहाँ पर आने की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएँ होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर डेली आपको यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों 12,000 रुपये भी आपको भी इस योजना के तहत मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ। आपको अपना गूगल ओपन करके एक आप क्या लिखना है बताते हैं। SBM मतलब इसका फुल फॉर्म होता है स्वच्छ भारत मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है स्वच्छ भारत मिशन। सिंबल से आपको इस SBM पर सर्च करना है, उस पर आपको नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको क्या करना है, लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको मैं डेस्क को साइड में ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, यहाँ पर मतलब साइनअप करना होगा। अगर इसमें ऑलरेडी हो तो करोगे तो जो आपका नाम जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो एप्लीकेशन सक्सेस दिखा देगा, लेकिन अगर नए हो तो इसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटर योर मोबाइल नंबर, फिर आपको OTP पर क्लिक करो तो इंटर योर OTP आएगा। तो सिंपल से OTP आएगा, उसको फिलअप करके जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है यहाँ पर आपको भर लेना होगा। फिर आपको साइन इन लिखा हुआ है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होगा। तो साथियों जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है, अगर पहले से आप इसमें एप्लीकेशन में आए हो तो यहाँ पर डिटेल जो दिए हैं वहाँ पर डिटेल दिखा देगा आपके सामने। यदि आप पहली बार आए हो तो आप सबसे पहले आए हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नया रजिस्टर करना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखेगा, उस पर आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आप पुराना अगर कर चुके तो देख सकते हैं, लेकिन अगर नए हो तो यहाँ पर सिंपल से आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं BPL, आप BPL मतलब राशन कार्ड, ST/ST के लिए जो भी हैं इसमें आवेदन कर सकोगे आप। आपको इसमें घबराने की बात नहीं, आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपको अगर इंग्लिश में पढ़ाई करना आता होगा तो आप इसमें आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ST/ST जो SC/ST होते हैं उन लोग इसमें दिखा गया है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेट आपके सारे यहाँ पर स्टेट आ चुके होंगे। जैसे मैं एप्लीकेशन में आप दिखाया शुरू में स्टार्टिंग में देखे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो पहले से इसमें लॉग इन कर मेरा स्टेट दिखाया छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर आओगे तो सारे स्टेट आपको दिखाएंगे। वहाँ पर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जो भी आप जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में जितने जिले हैं वो सारे जिले यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो साथियों जिसके आप डिस्ट्रिक्ट क्लिक करोगे तो फिर आपसे पूछेगा ब्लॉक, तो सिंपल आपको क्लिक बस करना है, पूरी आप ब्लॉक की जानकारी आपके सामने ओपन होके आ जाएगा जो भी आपका ब्लॉक होगा। फिर आप यहाँ पर ब्लॉक जैसे फिर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पंचायत नाम, पंचायत जो आपका नाम है उस पर क्लिक करोगे तो पंचायत नाम पर क्लिक करोगे तो जो भी आपको पंचायत के बाद यहाँ पर आपका ग्राम का नाम आगे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पर नाम जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सेक्शन बी में आ जाना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में आप कराओगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर आधार नंबर और जो सॉरी आप आधार कार्ड का नाम करना है उसके बाद उसका आधार नंबर वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई आपका होने वाला है। मैं जैसे यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पर आपको जो भी आपका जो डिटेल होगा आधार कार्ड का वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। जो भी आपको जानकारी यहाँ पर पूछा जाएगा, जो सिलेक्ट नहीं होगा उसको यहाँ पर ईमेल ID एड्रेस जो भी पूछा जाएगा उसको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 3 में आओगे तो बैंक डिटेल आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा IFC कोड, फिर आपको आप यहीं नहीं जानते तो यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। फिर आप नेम ऑफ बैंक जो भी आपका बैंक नाम है उसको, ब्रांच आपको ब्रांच कहाँ है वो, ब्रांच का जो एड्रेस है, किस स्टेट से आप स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, अकाउंट नंबर कौन सा है, उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर लिख के आपको सिंपल से फिर से कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म आपको करोगे तो एक सामने एक और स्क्रीन पेज यहाँ पर फर्स्ट पेज यानी कि जो पासबुक है आपका बैंक खाते का पासबुक उसका फर्स्ट पेज का आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है इमेज, जो कि आपको
याद रखें कि यहाँ पर 200 KB होना चाहिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको सिंपल सा अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे कि हम आपको लाइव दिखाएंगे, अब यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि आप किसी ऑनलाइन सेंटर से भी आप संपर्क करके इस योजना का आप आवेदन कर सकते हैं। अब लाभ इस योजना सरकार की तरफ से 12,000 रुपये आप भी ले सकते हैं।